मुमरा का सबसे मशहूर और बेहतरीन रेस्टोरेंट नूरानी रेस्टोरेंट, जहां आपको एक से एक लाजवाब डिशेस मिलेगी, जैसे मुगलाई, चाइनीज, फास्ट फूड, तंदूरी। टेस्ट और क्वालिटी दोनों ही मिलेगा नूरानी रेस्टोरेंट में। एसी, फैमिली हॉल, पार्टी हॉल और दस्तरखान, नूरानी रेस्टोरेंट पे सब अवेलेबल है। लजीज खानों के लिए एक बार जरूर आए नूरानी रेस्टोरेंट। शहर से गायब हुए तीन सगे भाई बहन मच्छी खलबली, मुमरा पुलिस ने दर्ज किया अपहरण का मामला। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। फिर एक बार शहर से एक 14 वर्षीय लड़की, उसका 11 वर्षीय भाई और छोटा एक और 9 वर्षीय भाई, ऐसे ये तीनों भाई बहन अचानक जो है गायब हो गए और गायब होने से काफी खलबली मची हुई है। ये तीनों भाई बहन, इनके पिता है नौशाद मुमताज अली, ये रहते हैं कौसा बॉस्को स्कूल के पास नाइक अपार्टमेंट में, कारपेंटर का धंधा करते हैं। 14 वर्षीय नाजिया, 11 वर्षीय नाजिम और 9 वर्षीय शोएब, ये तीनों उनके बच्चे कौसा एमएमविल स्थित थाने मनपा की स्कूल में पढ़ते हैं और गुरुवार 22 सितंबर सुबह स्कूल के लिए वो घर से निकले थे, लेकिन जब नहीं लौटे, घर वालों ने उनकी खोजबीन की तो पता चला स्कूल जाने के बाद कि आज स्कूल को छुट्टी थी। वहीं इन्हीं के एक चाचा को ये कौसा कादर पैलेस परिसर में, बिल्कुल ठीक नौशीन प्लाजा के पास, अजवा स्वीट्स मार्ट के पास ये तीनों भाई बहन मिले, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर दोस्त रहते हैं, उनके पास आए हैं, उनसे होमवर्क और बुक्स वगैरह कंप्लीट करेंगे हम लोग और फिर चले जाएंगे। ये पूरा मामला काफ़ी संदिग्ध है। एक तरफ जो है सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी खोजबीन के बाद जब ये तीनों बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला तो मुमरा पुलिस ने अंत में इनके पिता की शिकायत पर धारा 363 के तहत अपहरण का मामला दर्ज किया है। वहीं इन बच्चों के नौशीन प्लाजा अजवा स्वीट्स के कुछ उस परिसर के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें ये पहले नौशीन प्लाजा बिल्डिंग में छुपते हुए दिखाई देंगे, फिर उसके बाद वहां से निकलकर तीनों भाई बहन जो है रास्ता पार करते हुए दिखाई देंगे और फिर वहां से वो रिक्शा में बैठकर भी गए हैं, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। कुल मिलाकर अपहरण का मामला है या बच्चे अपनी मर्जी से या अन्य किसी बात से परेशान होकर भागे हैं, ये उनकी बरामदगी के बाद ही खुलासा हो पाएगा। फिलहाल जो है बच्चा किडनैपिंग की अफवाहों को तूल देने वाला ये एक और मामला हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या नाम है आपका? राजेश अहमद। 9 बजे मैं साथ में बात किया, नौशीन प्लाजा तक। नौशीन प्लाजा कितने बजे की बात है? करीब 9:15। आपने सीसीटीवी फुटेज चेक किए बिल्डिंग के? फोटो चेक किए, बच्चे लोग भी खेल रहे हैं उधर, बाहर आने के नहीं बता रहे। अभी तक बाहर आए वो नहीं बता रहे? बाहर आए वो नहीं बता रहे। तो आपने इसकी शिकायत पुलिस में की है? कंप्लेंट करने गए, बहादुर को बोले तो बहादुर बोला भेज दिए बाहर, तो अभी तक बाहर तो आए नहीं, फोटो में दिखा ही नहीं रहे। भाई क्या नाम है आपका? मुश्ताक अली। भाई आपके बच्चे जो है वो गायब हो गए हैं, म्यूनसिपालिटी स्कूल में जा रहे थे। हाँ, म्यूनसिपालिटी में जा रहे थे, वो आज स्कूल है बंद। हाँ, तो बच्चे लोग को नहीं मालूम था कि बंद है, उन लोग वहाँ से रिटर्न आ गए, वो 8 बजे रिटर्न आए, 8:30 बजे 9:15 बजे एक टाइम पे यहाँ पे मिले, तो मेरे भाई बड़े भाई यहाँ पर खेलने के लिए गए थे। नहीं खेलने के लिए, उसने क्या बोला, मेरे फ्रेंड लोग यहाँ पे रहते हैं, मैं जाके वहाँ होमवर्क करके फिर घर पे जाऊँगा। अच्छा, तो फिर उसके बाद उन लोग गए जब से, तो अभी तक उनको पता ही नहीं वहाँ पे। तो आपने उसके कोई फ्रेंड के यहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट? नहीं, वहाँ आपको नहीं मालूम ना कौन सा फ्रेंड है कौन है नहीं है। कितने साल के आपके बच्चे? मेरे बच्चे, बड़ी लड़की 14 साल की है और दूसरा एक लड़का नाजिम है, वो अपना 13 साल का है और 11 साल का छोटा वाला। तीनों बच्चे आपके साथ में थे वो? तीनों साथ में गए थे? हाँ, तीनों साथ में और गए उसके अंदर, तो वॉचमैन खाली बताया कि इधर से हम लोग भेज दिए थे, वो रिटर्न चले गए, वो बिल्डिंग से बाहर ये गली से आए नहीं है। मतलब जाने का सीसीटीवी फुटेज आने का नहीं है बात? नहीं भाई, मेरा खुद खड़ा है ना, जाने का तो गवाह है ना। सुबह 9 बजे से आप यहीं पर ही हो? अरे वो भी था साथ में, रिजवान भी था साथ में, बात किया हम लोग। तो आपने इसकी शिकायत मुमरा पुलिस स्टेशन में की? अभी नहीं, अभी कर रहे गए, अभी ये हुआ कि देख लेते कहीं फ्रेंड के घर पे रहेंगे तो आ जाएंगे रिटर्न, तो हम लोग 2 बजे से इंतजार कर रहे हैं, ये चौकी में जाने वाले थे तो यहाँ साफ नहीं थे कोई, इसके लिए नहीं कर रहे, तो अभी भेज रहे।